हेलो स्टूडेंट, मैं क्लास सिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कल का होमवर्क मैं जल्दी जल्दी थोड़ा कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि मैं आज कुछ नया कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट, मैं पहला नंबर जो सम दिया था पी प्लस क्यू रूट अंडर में एक्स के पावर पर पी स्क्वायर बाई में एक्स के पावर पर क्यू स्क्वायर। इंटू क्यू प्लस आर रूट अंडर एक्स के पावर पर क्यू स्क्वायर बाई में एक्स के पावर पर आर स्क्वायर। इंटू आर प्लस पी रूट अंडर एक्स के पावर पर आर स्क्वायर बाई में एक्स के पावर पर पी स्क्वायर इक्वल टू में वन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। हम बोले थे जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो उसे क्या होगा, उसे पावर में चला जाएगा जो ये पी प्लस क्यू। तो क्या लिखेंगे, पहले इन दोनों को पहले कर लेते हैं। तो एक्स के पावर पर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और जो ये पावर में है, ये जो रूट में है, वह क्या हो जाएगा, पावर में चला जाएगा। वन बटा में कितना हो जाएगा, पी प्लस क्यू। ठीक है, अब वैसे ही ये भी हो जाएगा एक्स के पावर पर क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के पावर पर क्या हो जाएगा, वन बाई में क्यू प्लस आर इंटू एक्स के पावर पर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के इसके पावर पर क्या हो जाएगा, वन बाई में आर प्लस पी। देख लो अब क्या करना है, इसे तोड़ दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में। एक्स के पावर पर पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू, ये हो जाएगा इंटू वन बाई में पी प्लस क्यू इंटू एक्स के पावर पर क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को तोड़ेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, क्यू प्लस आर क्यू माइनस आर क्यू प्लस आर इंटू वन बाई में क्यू प्लस आर इंटू एक्स के पावर पर आर माइनस पी आर प्लस पी इंटू वन बाई में आर प्लस पी। आर प्लस पी आर प्लस पी गया, क्यू प्लस आर गया, पी प्लस क्यू गया। कितना हुआ, एक्स के पावर पर पी माइनस क्यू इंटू एक्स के पावर पर क्यू माइनस आर इंटू एक्स के पावर पर आर माइनस पी। कितना हुआ, एक्स के पावर पी माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी। पी से पी गया, क्यू से क्यू गया, आर से आर गया। कितना हुआ, एक्स के पावर पर जीरो इक्वल टू में वन। देख लो समझ में आया। क्वेश्चन नंबर टू मैं कंप्लीट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर टू क्या था, क्वेश्चन नंबर टू था एल एन रूट अंडर के पावर पर एक्स के पावर पर एल बाई में एक्स पावर एन इंटू एन एम रूट अंडर एक्स पावर एन बाई में एक्स पावर एम इंटू एम एल रूट अंडर एक्स पावर एम बाई में एक्स पावर एल इक्वल टू में वन प्रूव करना है। देख लो तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले वही सेम टू सेम एक्स पावर पर एल माइनस एन, उसके बाई में वन बाई में एल एन। फिर क्या करेंगे, इंटू एक्स पावर पर एन माइनस एम इंटू वन बाई में एन एम इंटू एक्स पावर एम माइनस एल इंटू वन बाई में एम एल। देख लो ठीक है, ये कहाँ से आया वो घटा दिए हैं, तुम लोग को फॉर्मूला याद हो गया होगा मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, एक्स पावर पर वन बाई में एन माइनस वन बाई में एल इंटू एक्स के पावर पर क्या होगा, वन बाई में एम माइनस वन बाई में एन इंटू एक्स के पावर पर वन बाई में एल माइनस वन बाई में एम। अब क्या करना होगा, एक्स के पावर पर जोड़ दो, वन बाई एन माइनस वन बाई एल प्लस वन बाई एम माइनस वन बाई एन प्लस वन बाई एल माइनस वन बाई एम। वन बाई एम, वन बाई एम कट गया, वन बाई एन कट गया, वन बाई एल कट गया। कितना हुआ, एक्स के पावर पर जीरो कितना आया। देख लो अब मैं क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर थ्री तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, ई के पावर पर टू एक्स प्लस ई के पावर पर एक्स माइनस ई के पावर एक्स माइनस वन बाई में ई के पावर पर टू एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स प्लस ई के पावर एक्स माइनस वन इक्वल टू में ई के पावर एक्स माइनस वन बाई में ई के पावर एक्स प्लस वन।
ठीक है स्टूडेंट, इसको प्रूव करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड लिख कर कर देंगे, ऊपर भी वैसे ही करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिख कर ही करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड तो क्या होगा, ई के पावर एक्स टू एक्स प्लस, ये तो बटा में आ जाएगा, ई के पावर एक्स है तो ई पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स माइनस वन। हम बताए थे जब ए का पावर माइनस वन रहता तो मतलब क्या होता है, वन बाई में ए होता है कि नहीं बताओ, वैसे ही यही हो जाएगा बाई में ई के पावर पर टू एक्स माइनस वन बाई के ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स माइनस वन। अब क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो ई के पावर एक्स एलसीएम आ जाता है, यहाँ पर क्या ई के पावर थ्री एक्स प्लस वन माइनस ई के पावर पर टू एक्स माइनस ई के पावर पर एक्स। समझ में आया, अब ये क्या करेंगे, ई के पावर एक्स कर देंगे तो ई के पावर पर थ्री एक्स माइनस ई के पावर सॉरी यहाँ वन प्लस ई के पावर पर टू एक्स माइनस ई के पावर पर एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, इसको देखो ये ई के पावर एक्स कट जाएगा, अब यह बचा क्या, ई के पावर पर थ्री एक्स प्लस वन माइनस ई के पावर टू एक्स माइनस ई के पावर पर एक्स बाई में ई के पावर पर थ्री एक्स माइनस वन प्लस ई के पावर टू एक्स माइनस ई के पावर एक्स। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन हम क्या करेंगे, इसमें लेंगे, क्योंकि हमको ई टू एक्स चाहिए, टू एक्स और ये है नहीं, तो इसको जो करेंगे तो होगा नहीं कभी, क्या करेंगे ई के पावर टू एक्स, ई के पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले तो क्या होगा, ई के पावर टू एक्स और माइनस वन, ये और ये लिए। ठीक है, अब यह क्या करेंगे, माइनस वन कॉमन ले लेंगे, ई के पावर टू एक्स माइनस वन बाई में, यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया होगा, यहाँ पर देखो क्या किए हैं, पहले ई के पावर पर थ्री एक्स माइनस ई के पावर एक्स कर दिए, और यहाँ पर क्या हो गया, माइनस ई के पावर पर टू एक्स प्लस वन। ठीक है, वही किए हैं, और इसमें भी ई के पावर पर थ्री एक्स माइनस ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर पर टू एक्स माइनस वन। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें भी वही कॉमन लेंगे, ई के पावर पर टू एक्स माइनस वन, और यहाँ प्लस कॉमन ले लिया जाएगा, ई के पावर पर टू एक्स माइनस वन हो जाएगा, तब क्या होगा, e के पावर पर x माइनस वन और e के पावर पर 2x माइनस वन और e के पावर पर x प्लस वन और e के पावर पर 2x माइनस वन, ये गया तो कितना होगा, e के पावर पर x माइनस वन बाई में e के पावर x प्लस वन, क्या हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखे ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ना अब मैं अगला कॉन्सेप्ट जो बताने वाला था वह मैं कंप्लीट करता हूँ। जो मैं अभी न्यू कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इस तरह का सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से हम नया कॉन्सेप्ट बताएंगे, जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा, क्या क्वेश्चन रहेगा, x इक्वल टू में टू के पावर पर टू बाई थ्री प्लस टू के पावर वन बाई थ्री हो तो सो दैट, क्या प्रूव करना मेरे को, एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स इक्वल टू में, हमको क्या प्रूव करना है, सिक्स, देख लो ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन को देख लेना तो क्या करोगे, क्यूब करना, क्यूब का फॉर्मूला पता है ना, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई एक्स प्लस वाई, ऐसा फॉर्मूला तुमने देखे हो, दूसरा फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला था, लेकिन वह दूसरा फॉर्मूला जो हम लोग बताए थे ये सीखे थे। अब क्या करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, हम क्या कर दिए, क्यूब कर दिए, तो क्या हो गया, एक्स का क्यूब इक्वल टू में टू के पावर पर टू बाई में थ्री प्लस टू के पावर पर वन बाई थ्री का, अब कर दे इसको, क्या हो जाएगा, एक्स क्यू यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, एक्स पावर पर टू बाई थ्री इन टू थ्री प्लस टू इंटू वन बाई थ्री इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू टू के पावर वन बाई थ्री इंटू टू के पावर टू बाई थ्री और यहाँ पर क्या होगा, टू के पावर पर टू बाई थ्री प्लस टू के पावर वन बाई थ्री। ठीक है, दिखाई दिया, अब क्या करेंगे, ये थ्री से ये थ्री गया, ये थ्री से ये थ्री गया, तो क्या होगा, एक्स के पावर होल स्क्वायर प्लस नहीं सॉरी यहाँ टू होगा,
टू के पावर टू प्लस टू के पावर वन प्लस टू के पावर थ्री इंटू टू के पावर, देखो ये वन बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री हो जाएगा। और ये देखो इसका वैल्यू दे दिया, इसका वैल्यू कहाँ दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ, देख लो क्या दिया हुआ, एक्स दिया हुआ है ना, यहाँ पुट कर दी, एक्स क्यू हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स क्यू इक्वल टू में फोर प्लस टू प्लस थ्री इंटू, देखो टू इंटू यहाँ पर कितना जाएगा, थ्री बाई में थ्री, यहाँ जोड़ देंगे, वन बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री, एलसीएम लिए थ्री, वन प्लस टू कितना हुआ, थ्री बाई थ्री, देख लो ठीक है, इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यू इक्वल टू में सिक्स, ये थ्री से ये थ्री गया, प्लस कितना आ जाएगा, सिक्स एक्स, और ये इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एक्स क्यू माइनस सिक्स इक्वल टू में जीरो, देखो सुना है, तो क्या है प्रूफ, क्या लाना है, एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स इक्वल टू में सिक्स, अंडरस्टैंड। ऐसा टाइप का मैं दो क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क के तौर पर देता हूँ, ऐसा ही टाइप का, क्योंकि ये न्यू कॉन्सेप्ट है, थोड़ा तुम लोगों को अभी प्रैक्टिस हो जाएगा। a इक्वल टू में टू के पावर वन बाई थ्री माइनस टू के पावर वन बाई थ्री, टू के पावर माइनस वन बाई थ्री, एंड सो दैट क्या प्रूव करना है, टू ए क्यू प्लस सिक्स ए माइनस थ्री इक्वल टू में जीरो, ये प्रूव करना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू में थ्री के पावर वन बाई थ्री माइनस थ्री के पावर वन बाई थ्री, देन प्रूव्ड दैट क्या है, थ्री एक्स क्यू प्लस नाइन एक्स माइनस एट इक्वल टू में दो, ये दो क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करना। मैं अगला बता देता हूँ, अगला एक कॉन्सेप्ट सिर्फ थोड़ा सा ही है, लेकिन बाकी समझ में आ जाएगा तुम लोग, सेम ही टाइप का है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। चार नंबर क्या है, x इक्वल टू में टू प्लस टू के पावर पर टू बाई थ्री प्लस टू के पावर वन बाई थ्री, देन सो दैट एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू इक्वल टू में जीरो, समझ में आया। तो अब इसको क्या करना होगा, देखो ये टू है, हमको क्या बोल, जब पावर पावर एक तरफ रहेगा और बाकी सब इधर लेके आ जाओगे, तो क्या हो जाएगा, x माइनस टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू का पावर टू बाई थ्री प्लस टू का पावर पर वन बाई थ्री। अब क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, क्यूबिंग बोथ साइड करने पर x माइनस टू का q इक्वल टू में टू बाई में टू के पावर थ्री प्लस टू के पावर वन बाई थ्री का q, अब इसको तोड़ देंगे कितना हो जाएगा, टू के पावर पर टू बाई थ्री इंटू थ्री प्लस टू के पावर वन बाई थ्री इंटू थ्री प्लस टू, थ्री इंटू टू के पावर थ्री इंटू टू के पावर टू बाई थ्री, टू के पावर टू बाई थ्री प्लस टू के पावर वन बाई थ्री, और इसका भी तोड़ देंगे तो क्या हो जाए, एक्स क्यू माइनस एट माइनस थ्री इंटू टू इंटू एक्स, और ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू, समझ आया। तो एक्स क्यू माइनस एट माइनस यहां पे कितना हो जाएगा, सिक्स एक्स एक्स माइनस टू इक्वल टू में यहां पे टू के पावर टू प्लस टू के पावर वन प्लस थ्री इंटू टू के पावर वन आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू पुट कर देंगे, इसका वैल्यू कितना आया था मेरा, एक्स माइनस टू, देख लो। ठीक है, तब क्या करेंगे, इसको करने के लिए एक्स क्यू माइनस एट माइनस में सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा, ट्वेल्व एक्स इक्वल टू में यहाँ फोर प्लस टू प्लस सिक्स एक्स माइनस, ये कितना हो जाएगा, चौदह नौ बारह। अब क्या करेंगे, सबको एक संग जगह लाओ, कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक्स क्यू
माइनस एट माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व माइनस, ये माइनस इक्वल टू फोर प्लस सॉरी सिक्स प्लस सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व कितना आ जाएगा देख लो, कितना आ जाएगा एक्स क्यू माइनस एट एट माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स इक्वल टू में कितना आ जाएगा माइनस सिक्स प्लस सिक्स एक्स, ठीक है। अब ये इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा एक्स क्यू माइनस एट माइनस सिक्स प्लस सिक्स माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस सिक्स एक्स इक्वल टू में जीरो कितना होगा एक्स क्यू, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस सिक्स एक्स माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू में जीरो। देखो देख लो हमें क्या प्रूव करना था, एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू इक्वल टू में जीरो प्रूव हो गया। अब मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ ऐसा वाला जो तुम लोग कर लेना, एक को ये होमवर्क ये एक होमवर्क ये और कुछ और होमवर्क नंबर क्या है, एक्स इक्वल टू में थ्री प्लस थ्री के पावर पर टू बाई थ्री प्लस थ्री के पावर पर वन बाई थ्री फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू माइनस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस एटीन एक्स माइनस ट्वेल्व, इसको प्रूव करना है, ठीक है। ये प्रूव कर लेना और मैं एक सम्स और दे देता हूँ जो तुम लोग प्रूव कर लेना। और क्या है एक सम्स, एक्स नहीं वाई इक्वल टू में एक्स के पावर वन बाई थ्री माइनस एक्स के पावर पर माइनस वन बाई थ्री देन प्रूव दैट क्या होगा, प्रूव दैट वाई क्यू प्लस थ्री वाई इक्वल टू में एक्स माइनस वन बाई एक्स, ठीक है। थैंक यू।